नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज़ में। मीराबाई चानू से मुकाबले में हारने के बाद आंसुओं में डूब गई 18 साल की ये चैंपियन वेट लिफ्टर देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। बेल्जियम की 18 वर्षीय महिला वेट लिफ्टर नीना स्टेरेक्स ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के पहले दिन सभी का दिल जीत लिया। नीना ने टोक्यो में शनिवार को 49 किलोग्राम ग्रुप ए वर्ग में उतरी थी। हालांकि वह इस पदक को जीत नहीं सकी, लेकिन आखिरी प्रयास में जिस तरीके से उन्होंने अपना जज्बा दिखाया उसे सभी सलाम कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, नीना ने 82 और 99 किलोग्राम वजन आसानी से उठा लिया और ओवरऑल 5वें स्थान पर रही। नीना के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। हालांकि वह अपने आखिरी प्रयास में वजन उठाने में विफल रही। नीना 101 किलोग्राम वजन नहीं उठा सकी। इसके बाद उसके आंखों से आंसू झलक पड़े। इस दौरान उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी बल्कि आखिरी समय तक कोशिश करती रही, लेकिन वजन उठाने में असफल रही। क्लीन एंड जर्क में नीना को एक समय लगा कि उन्होंने वजन को सफलतापूर्वक उठा लिया है। इसके लिए उन्होंने चैलेंज भी किया, लेकिन जूरी ने इनकार कर दिया। दोस्तों आप हमारे वीडियो में कुछ फुटेज देख सकते हैं। नीना जब हार गई थी उसके बाद उनका स्टाफ उन्हें समझा रहा है, दिलासा दे रहा है। दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और फैंस नीना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।